नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं राजस्थान सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के आपके फायरमैन असिस्टेंट फायरमैन ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के बारे में। 629 यहाँ पे वैकेंसीज हैं दोस्तों, बहुत बड़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आ रखी हैं 629। और आप लोग यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बैचलर डिग्री या 12वीं आपने कर रखी है तो आप लोग इसे आवेदन कर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकाला गया, 629 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। आप लोग इसका आवेदन दोस्तों कब से कब कर सकते हो, इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 16 सितंबर तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हो। 10 तारीख को, 10 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पे बेसिक जानकारी मैं बता देता हूँ, असिस्टेंट फायरमैन ऑफिसर की वैकेंसी है, लोकेशन आपकी राजस्थानी रहेगी, क्वालिफिकेशन 12वीं और ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पे अप्लाई आपको ऑनलाइन करना। तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये अपना रिक्रूटमेंट निकाला है 10 अगस्त को, आप लोग देख सकते हैं। असिस्टेंट फायरमैन ऑफिसर फायरमैन की रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रही है। एप्लीकेशन प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, सब इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग डेट जो अप्लाई करने की है वो आपकी 18 अगस्त से रखी गई है। 18 अगस्त से आप लोग आवेदन कर सकते हो 19 सितंबर तक, ठीक है। लास्ट डेट फी पेमेंट करने की भी आपकी 19 सितंबर रखी गई है। यहाँ पे जो आपकी बता देता हूँ, कैटेगरी जनरल ओबीसी के लिए 450 रुपीज़ आपकी फीस रखी गई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 350 रुपये, SC ST के लिए आपकी 250 रुपये 250 रखी गई है। करेक्शन चार्जेस, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है अपना फॉर्म फिलअप करने में तो आप लोग 300 रुपये दे के उसको फॉर्म को सही कर सकते हैं, तो उसके करेक्शन चार्जेस आपके 300 रुपये यहाँ पर रखे गए। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट फायरमैन ऑफिसर के पहले बात करते हैं हम लोग, दोनों के लिए ही असिस्टेंट फायरमैन ऑफिसर और फायरमैन दोनों के लिए 18 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद जिनका रिजर्वेशन रखता है उनका आपका रिजर्वेशन लग के थोड़ा एज में भी आपको छूट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट फायरमैन ऑफिसर है उनकी 29 वैकेंसीज हैं टोटल, TSP की 27 है, नॉन TSP की 27 है, TSP की 2 है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम विद असिस्टेंट फायर ऑफिसर डिग्री, ठीक है। तो बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे फायरमैन के लिए मैं बता देता हूँ, 500 टोटल वैकेंसीज है जिसमें कि आपकी TSP के लिए 581 है और आपकी नॉन TSP के लिए 581 है, नॉन TSP के लिए 581 है, ठीक है। और जो TSP है उनके लिए 19 है। तो 12वीं आप पास होने चाहिए, केवल 12वीं चाहिए, 6 महीने का आपके पास फायरमैन का ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 18 से लेकर 40 साल तक इस लिमिट यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक सारे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसका जो अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक है 18 तारीख से निकल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का भी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके हेल्पफुल रही होगी। तो यहाँ पे फीस भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 450 रुपये जनरल ओबीसी के लिए है, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के 350 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये है। करेक्शन करना हो आपको, अगर कोई गलती हो जाती है तो 300 रुपये, इसलिए आराम से आप लोग फॉर्म को भरिएगा। इसका आवेदन 18 अगस्त से लेकर आप 16 सितंबर तक कर सकते हो, 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके की मोर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।